ऐसा क्या हुआ जब भगवान शिव और माता पार्वती को गरीब बनकर आना पड़ा धरती पर? एक बार की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैंने धरती पर देखा है कि जो इंसान पहले से ही दुख में है उसे आप ज़्यादा दुख देते हैं और जो इंसान सुख में है उसे आप दुख नहीं देते। भगवान शिव ने पार्वती को यह बात समझाने के लिए धरती पर चलने के लिए कहा, एक दुखी दंपत्ति का रूप धारण कर लिया और एक गांव में अपना डेरा जमा लिया। शाम होते ही भगवान शिव ने माता पार्वती से बोला कि हम यहाँ आम मनुष्य के रूप में हैं, इसीलिए हमें भी यहाँ के लोगों की तरह भोजन करना होगा, इसीलिए मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम चूल्हे का प्रबंध करो और साथ में ही कुछ लकड़ियाँ भी ढूंढ लेना। प्रभु के जाते ही माता पार्वती चूल्हा बनाने के लिए कुछ ईंटें ढूंढने लगती हैं। वह देखती हैं कि पास ही में कुछ टूटे फूटे घर हैं। माता पार्वती वहां से कुछ ईंटें ले आती हैं और चूल्हा बना लेती हैं। चूल्हा बनते ही जब भगवान शिव वापस आए तो वह कुछ ना लेकर आए। माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, अब भोजन कैसे बनेगा और हम क्या खाएंगे? भगवान शिव ने कहा, पार्वती अब तुमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रश्न किया कि तुमने चूल्हा कैसे बनाया और ईंटों का बंदोबस्त कैसे किया? माता पार्वती ने जवाब दिया, प्रभु इस गांव में मुझे बहुत से टूटे फूटे घर दिखे जिनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने कुछ ईंटें वहां से निकाल कर ले आई। भगवान शिव ने फिर से प्रश्न किया कि जो घर पहले से ही टूटे फूटे थे तुमने उन्हीं घर से ईंटें लाने का क्यों चुना? तुम सही घर से भी तो ईंटें ला सकती थी। माता पार्वती ने जवाब दिया कि उन घरों में रहने वाले लोगों ने अपने घरों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी और वह देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे, ऐसे में भला मैं उनकी सुंदरता को कैसे बिगाड़ दूं? भगवान शिव बोले, पार्वती यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पहले से ही अपने घरों की देखरेख अच्छे से की हुई है, यानी जिन लोगों ने सही कर्म करके अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, भला मैं उन लोगों को दुख कैसे दे सकता हूँ? जो मनुष्य अपने जीवन को सुखी तरीके से व्यतीत कर रहा है वह अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुख का जीवन व्यतीत कर रहा है वह भी अपने कर्मों के द्वारा दुखी है, इसीलिए कहा गया है हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत खड़ी हो और कोई भी उसकी एक ईंट भी ना ले पाए। दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही विभिन्न विभिन्न जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।